तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी पर यूट्यूब चैनल की। पर तो यहाँ पर गाइस आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 जीपीयूज के बारे में, जो आप यूज्ड बाय कर सकते हो। आपका अगर बजट 4000 से लेकर यहाँ पर 20000 तक, यहाँ पर अगर आपके पास बजट है कि यूज्ड ग्राफिक्स कार्ड बाय करने के लिए, तो वीडियो बहुत ही खास होगी। क्योंकि यहाँ पर आज के समय में आपको एक नया ग्राफिक्स कार्ड बाय करना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि ये आपकी प्राइसिंग चल रही है 20000 रुपये का, आपको 1650 या आपके 1050 Ti वगैरह देखने को मिल रहे हैं, तो भाई बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है आप एक नया ग्राफिक्स कार्ड बाय करो। तो आज के लिए यहाँ पर मैं आपके लिए एक बिल्कुल रॉ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको अगर बाय करना है कोई GPU 4000 से लेकर, कम से कम अगर आपका बजट 20000 तक का है, तो यहाँ पर मैं आपको जो रिकमेंड करने वाला हूँ कुछ GPUs जो कि 5 से 6 होने वाले हैं, और उसके बीच में यहाँ पर मैं ग्रुप बनाने वाला हूँ पहले, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको जो GPUs बताने वाला हूँ, तो वीडियो बड़ी खास होगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में मिलना व्यक्ति स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। यहाँ पर जो आपका 750 Ti यहाँ पर जो आपको पहले देखने को मिलता था, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता था लगभग आपको 3000-3500 तक का देखने को मिल जाता, लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो आपको 750 Ti आपका वो यहाँ पर आपको 5000 तक का देखने को मिलता है। बल्कि 5000 रुपये भी मैं प्राइसिंग एक एस्टिमेट लगा रहा हूँ, यहाँ पर आपको 5000 के भी आसपास के ऊपर बंदे बल्कि चार्ज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगा 5000 तक का, तो आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हो। बात करते हैं 750 Ti की स्पेक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको GM07 यहाँ पर आपको जो GPU देखने को मिल जाता है, 630 के आसपास के यहाँ पर आपको जो CUDA कोर्स इसके देखने को मिल जाते हैं, जो कि डिसेंट नंबर है। अगर आपको ये 2 GB का कार्ड मिल जाए तो आप 720p के ऊपर जो पुरानी गेम्स हैं उनको आप रन कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट कार्ड हो चुका है। आगे बात करते हैं, अगर आपको ये ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पर RX 550 को बाय कर सकते हैं, जो एक ठीक कार्ड रहे आपके लिए अगर आपको 720p के साथ स्टार्टिंग करनी है गेमिंग में। बात करते हैं जिन बंदों को 1080p गेमिंग करनी है, और यहाँ पर हमारा जो प्राइस टैग है वो चेंज हो जाता है हमारा लगभग 8000 तक का, 8 से 9000 तक का। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला कार्ड आता है वो आता है 1050 Ti यहाँ पर मैं पर्सनली यूज कर चुका हूँ, 4 GB का ये कार्ड आता है। एक सिंगल 1050 आता है वो यहाँ पर मत बाय करना, अगर आपको 2 GB का बाय करना है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो वैसे तो, लेकिन 4 GB का कार्ड 1050 Ti आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है। ये आपको गेमिंग करा के दे सकता है 720p और 1080p दोनों रेजोल्यूशन के ऊपर। यहाँ पर 1080p के ऊपर आप मतलब अपनी जो सेटिंग वगैरह है वो यहाँ पर आपको जो लो रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। बात करते हैं इसके कुछ और मतलब GPUs के बारे में, अगर आपको ये नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप GTX 960 और यहाँ पर आपके RX 470 को आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा महंगा मिलेगा क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस है लगभग इससे डबल हो जाती है 1050 Ti से, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी लिस्ट देना चाहूँ ग्राफिक्स कार्ड की, अगर आपके पास बजट है 5 से लेकर 10000 तक का, तो यहाँ पर आप 1050 Ti हो गया आपका 1650 सुपर नहीं मिलेगा आपको, 1650 मिल जाएगा वो आप बाय कर सकते हो। RX 470 आप बाय कर सकते हो, 1050 Ti आप बाय कर सकते हो, GTX 960 आप बाय कर सकते हो। तो ये आप कार्ड्स आप ढूंढ लो, आपको मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं इस हमारे प्राइस टैग के बारे में, जो कि अभी 10 से 15000 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो यूज्ड ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस है वो भी यहाँ पर जो इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि भाई आपकी जो प्राइस है कि चल रही है। और 20000 का आपको कार्ड देखने को मिल रहा है, जो कि 13000 रुपये का कार्ड था, तो यहाँ पर यूज्ड मार्केट में भी थोड़ी सी हलचल मच चुकी है। तो इस प्राइस टैग के अंदर यहाँ पर आपको जो मेन कार्ड, आपको एक लिस्ट बताऊँ, 1080p के ऊपर अगर आपको गेमिंग करनी है, आपको स्ट्रीमिंग करनी है, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो 1650 सुपर, RX 570 और 1650 को यहाँ पर मैं नहीं कंसीडर करूँगा, क्योंकि वो आपकी मतलब की प्राइस टैग उसका थोड़ा सा कम रहता है, वो भी आपको थोड़ा सस्ता देखने को मिल जाता है। आगे बात कर देंगे इस हमारे लास्ट प्राइस टैग के बारे में, जो कि 15 से लेकर 20000 तक का। तो यहाँ पर आपको दो कार्ड्स यहाँ पर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। पहला आता है RX 580 जो कि आता है 8 GB ग्राफिक्स कार्ड है, 4 GB का भी उसका वेरिएंट आता है, वो भी थोड़ा सा ठीक रहता है अगर आपको अच्छी प्राइस के ऊपर मिल जाए, अगर 16000 के आसपास का मिल जाए तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। बात करते हैं 580 जो आपका 8 GB का आता है, तो वो कार्ड आपको 1080p के ऊपर हाई रिफ्रेश रेट वाली आपको जो है गेमिंग आपको वो करा के दे सकता है, तो आप उसको कंसीडर जरूर कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो आपका 1660 सुपर, जो कि 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, लेकिन थोड़ा सा लेटेस्ट आ जाता है, तो ये थोड़ा सा आप जो कंसीडर कर सकते हो। तो ये गाइस कुछ ग्राफिक्स कार्ड हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर आपको 720p लो रेजोल्यूशन से लेकर यहाँ पर आपको जो 1080p हाई रेफ्रेश रेट वाली यहाँ पर जो आपको गेमिंग करा के दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं इसी टेक्नोलॉजी मक्सी और PC बिल्कुल लेकर आते रहते हैं।